हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अंकुर गहलोत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंकुर गहलोत फोटोग्राफी में। दोस्तों, आज हम डिजिटेक का प्रोफेशनल डीवी ट्राइपोड जो है मॉडल नंबर DTR520BH इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो आइएगा दोस्तों, देखते हैं। तो इसको मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ इस समय। ये है डिजिटेक का प्रोफेशनल डीवी ट्राइपॉड, जिसका मॉडल नंबर है DTR520BH। तो दोस्तों, ये आता है इस बैग के अंदर। इसका कैरी बैग है ये ट्राइपॉड का, बहुत अच्छी क्वालिटी का कैरी बैग है ये ट्राइपॉड। इसको हमने यहाँ से अब ट्राइपॉड को निकाल लिया है। तो इसके अंदर बाकी बैग के अंदर जो है, मैं यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे दो ये पाउच हैं जो कि मॉइस्चर से बचाने के लिए हैं। तो इसको फ़िलहाल मैं नीचे रख देता हूँ। और दोस्तों, अब ये पैकिंग के अंदर दोस्तों अब देखते हैं, ये हमारा आ गया ट्राइपॉड। ये ट्राइपॉड हमारा आ गया है दोस्तों। तो ट्राइपॉड को इस तरीके से हमने कर लिया है। यहाँ पे हम इसको रख देते हैं फिलहाल। यहाँ पे अब दोस्तों देखते हैं और क्या आया है साथ में। तो दोस्तों, पैकेट के अंदर, इसके अंदर जो है, दोस्तों एक ये इन्होंने छोटा सा पाइप दिया है, जिसके अंदर दोनों तरफ स्क्रू कसने के लिए है। और ये हमारे स्क्रू है, तो इसको फिलहाल मैं इसमें ही कस देता हूँ। इसका यूज़ कैसे होगा इसको देखते हैं बाद में दोस्तों। साथ में इन्होंने एल की दी है, यहाँ पे एक एल की भी दी है। एल की इसलिए दी है क्योंकि बाई चांस इसके ट्राइपॉड के जो पेच वगैरह हैं वो अगर लूज़ हो जाएं तो इसको हम बाद में कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं इसको। यहाँ से हमने थोड़ा सा इसकी चूड़ी को लूज़ कर लिया है, और उसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं इसको यहाँ से, और ये कवर में इस पर से हटा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर हमने इसको हटा दिया है। और यहाँ पे दो बॉल हेड दिए हुए हैं, एक बॉल हेड ये है, एक बॉल हेड ये है, एक बॉल हेड ये है। तो पहले वाले बॉल हेड में इसमें क्या है, इसमें हम जो है कैमरे को अटैच कर सकते हैं। यहाँ फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ रख देता हूँ मैं आराम से। तो दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा ये बॉल हेड है। बॉल हेड में से इसको यहाँ से हम लूज़ कर लेते हैं, तो ये जो है इसकी बेस प्लेट निकल जाती है, जिसको हम कैमरे से कनेक्ट कर देते हैं। इसको कैमरे पे लगा करके यहाँ पर, फिर इसको यहाँ पे लगा करके इसको टाइट करके कैमरा हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। और एडजस्ट होने के बाद में दोस्तों, ये बॉल हेड को लूज़ करने के लिए हमें इसको, इस वाले स्क्रू को थोड़ा सा ढीला करना पड़ेगा। और ढीला करने के बाद में जहाँ भी हमें कैमरा यहाँ पे सेट करना है, इस तरीके से सेट करना है, जैसे भी सेट करना है, जिस पोजीशन में सेट करना है, वहाँ पर हम इसको लगा देते हैं। सेट कर दिया दोस्तों, बॉल हेड हमारा अब टाइट हो गया है, अब ये कहीं जाएगा नहीं। और दोस्तों, इसको घुमाने के लिए, ये इसको घुमाने के लिए यहाँ पर ये वाला स्क्रू दिया है छोटा वाला। तो इसको लूज़ कर लेते हैं, लूज़ करने से ये घूमता रहेगा, और इसको हम टाइट कर देते हैं तो ये अब घूमना बंद हो जाएगा, ये घूमना अब बंद हो जाएगा। अब 360 डिग्री पे नहीं घूमेगा। बाकी इसको लूज़ कर लेते हैं तो फिर इसको हम पूरा घुमा सकते हैं। देखेगा दोस्तों, ये तो दोस्तों ये हो गया पहले वाला बॉल हेड का। दूसरा वाला बॉल हेड यहाँ पर इन्होंने ये दूसरा बॉल हेड दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ से लूज़ कर लेते हैं। इसको लूज़ करने के बाद में इसमें से एक पाइप निकलता है, ये पाइप हमारा, इस तरीके से हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। ये आ गया हमारा, इसको हम निकाल करके इस तरीके से हम यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की, उस तरीके से इसको यूज़ कर लीजिएगा।
तो दोस्तों अब आते हैं हम इसके लॉक के लॉक सिस्टम पे। तो दोस्तों ये 3 लैक्स हैं इसके, 3 लैक्स में यहाँ पर इन्होंने ये लॉकिंग का सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पे दो इन्होंने पॉइंट दिए हुए हैं, अगर इसको बस यहाँ पे, अगर यहाँ पे नीचे सबसे लास्ट वाले पे हमने रखना है, जस्ट इसको हमने ऐसे छोड़ दिया, अब ये वापस नहीं जाएगा। तो ये हो गया एक पॉइंट हमारा, हमें जब भी इसको लूज़ करना है, पॉइंट पे लगाना है, तो ये वाला बटन नीचे को इसको प्रेस करो। प्रेस करने के बाद में जिस भी लॉक पे हमें छोड़ना है वहाँ पे छोड़ दीजिएगा। तो दोस्तों ये वहाँ पर लॉक हो जाएगा। अभी हमारा, अब देखो इसकी हाइट इतनी होगी, और इसको और ज़्यादा करना है, दोस्तों इसकी लास्ट वाली के लिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे ये हो गया है, और इसको यहाँ से टाइट कर लेते हैं हम। इसको फ़िलहाल मैं नीचे रख देता हूँ। दोस्तों देखो यहाँ पर ये पूरा नीचे फ्लैट बेस तक लग गया है, ये नीचे फ्लैट हो गया है। तो फ्लैट उस पर हम आराम से इतनी हाइट पे भी अपना काम कर सकते हैं। अगर कम हाइट चाहिए हमें तो इसको इस तरीके से कर लीजिएगा, और नहीं चाहिए, कम हाइट नहीं चाहिए और नॉर्मल हाइट हमें चाहिए नॉर्मल स्टैंड के लिए, जैसे जब भी हम यूज़ करते हैं तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। और कम हाइट के लिए हम इसको नीचे कर सकते हैं, और ज़्यादा हाइट हमें चाहिए तो इसको यहाँ से इसकी चूड़ी खोल के इसको हाइट दे सकते हैं। और दूसरा दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ट्राईपोर्ट में, यहाँ पर दोस्तों नॉर्मली क्या है कि कुछ ट्राईपोर्ट में फ्लिप का ऑप्शन आता है, हल्का सा फ्लिप करो और उसको नीचे से उसकी जो लेग्स को हम इसकी हाइट जो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने चूड़ी का सिस्टम दिया है, इसको खोलिएगा और ये हाइट हम इसकी ओपन कर सकते हैं। और ये 3 इन्होंने तीन यहाँ पे 3 सिस्टम है हाइट बढ़ाने के 3। तो दोस्तों इसकी हाइट तो काफ़ी अच्छी है, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अच्छी हाइट है। तो इसको वापस मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल। और ये दोस्तों इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इसको हम ट्राईपोड मोनोपोड दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं मोनोपोड इसको कैसे बनाते हैं, मोनोपोड भी इसको दिखलाता हूँ मैं आपको कि इसका मोनोपोड हम कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 3 लैक्स दी हुई हैं, इसकी 3 लैक्स में से सिर्फ 1 लाख पे इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जो रिलीज़ हो सकती है, यानी कि इसको हम खोल के इसका मोनोपोड बना सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये अलग हो गया है दोस्तों, और यहाँ से ये वाला जो हमारा बॉल हेड है इसको हम यहाँ से रिलीज़ कर लेते हैं, खोल लेते हैं। इसको खोलने के साथ साथ दोस्तों इसमें एक तो ये बॉल हेड निकलेगा, और यहाँ पे लॉकिंग के लिए ये 2 पॉइंट हैं, ये 2 चीज़ों को भी हम यूज़ कर लेते हैं। इसको यहाँ पे हमने लगाया, लगाने के बाद में दोस्तों इसको हम इस पे कस देते हैं। ये हमारा दोस्तों, अब ये हमारा जो है मोनोपोड तैयार हो गया है। बहुत ही हल्का है, बहुत ही यूजेबल है, और आसानी से हम इसको एज ए ट्राईपोड एज ए मोनोपोड हम यूज़ कर लेंगे। दोस्तों बहुत हल्का है, अच्छी क्वालिटी है, और बॉल हेड भी है इसमें। सबसे अच्छी बेनिफिट यह है कि हम इसको वीडियो में और फोटो में दोनों तरीके से इसको आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से हॉरिजेंटल भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम वर्टिकल, जो अपना कैमरा जो है वर्टिकल मोड में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हमें फ़ोटो क्लिक करनी है या इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनानी है तो आराम से हम इसको वर्टिकली वीडियो भी बना सकते हैं, फ़ोटो भी खींच सकते हैं। दोस्तों इसको वापस मैं ट्राइपॉड में कन्वर्ट कर देता हूँ।
दोस्तों स्क्रू नीचे गिर गया, मैं इसको उठा लेता हूँ। यहाँ से मैंने स्क्रू ले लिया। अब वापस इसको हम मोनोपोड में, सॉरी ट्राईपोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और यहाँ इसको हम आसानी से देखा दोस्तों, बहुत ही जल्दी से हमने इसको ट्राईपोड में कन्वर्ट कर लिया, मोनोपोड में कन्वर्ट कर लिया। जैसा भी हमें रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया ये मोनोपोड है, मैंने यूज़ करा है एक बार और मुझे परफॉर्मेंस इसकी अच्छी लगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।